हमने पहले भी देखा कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का एलिगेशन था भारत के चीफ जस्टिस के ऊपर, आपने उनको राज्यसभा का सदस्य बना दिया। जाहिर सी बात है मनुस्मृति ही जिसमें कि महिलाएं दोयम दर्जे की होती हैं, जिसमें दलितों की कोई जगह नहीं होती, आदिवासियों की कोई जगह नहीं होती, यही इनका दर्शन है। और अब आप भारत की नई संसद, संसद जो कि प्रतीक होती है संवैधानिक मूल्यों का निर्वहन होना चाहिए, संविधान के तहत कोई भी देश का ढांचा चलता है और संसद उसका प्रतीक है, और आप जो है उसका उद्घाटन करने के लिए महिला राष्ट्रपति को नहीं बुला रहे हैं कि अब नई संसद जिसका उद्घाटन जो है संवैधानिक रूप से भारत की प्रथम नागरिक जो कि महिला और महिला भी हैं और आदिवासी भी हैं, तो ये इनका चरित्र कितना ये महिला विरोधी है, कितना ये आदिवासी विरोधी है, हमारे की ये जो हमारी नेतृत्व करने इस वक्त जो सत्ता में मौजूद बीजेपी पार्टी है उसका जो दर्शन है मनुवाद का दर्शन वो कितना महिला विरोधी है और उसका अमली रूप इस वक्त लगातार सामने आ रहा है। नमस्कार, मैं शिखा सिंह अभी दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हूं और आप देख रहे हैं जनहित आवाज़। आपको मालूम होगा जैसा कि पहलवानों का प्रदर्शन लगभग एक महीने से चल रहा है, एक महीना और आज दूसरा दिन है और लगातार पूनम कौशिक जी जो हैं यहाँ पे आ रही हैं समर्थन में और ये तमाम जनता के मुद्दे उठाती हैं, जगह जगह पे जाती है, जब भी जनता की बात होती है, जब भी ऐसे कोई मुद्दे आते हैं तो ये हमेशा बात करती हैं। कैसे देख रही हैं इस धरने को आप, महिलाओं के साथ जो ये हो रहा है इसको कैसे देख रही हैं? देखिए सीधी सीधी बात है, हम तो जनता लड़ रही है, महिलाएं न्याय के लिए लड़ रही हैं, कानून के राज की सर्वोच्चता की स्थापना चाहने वाले लोग लड़ रहे हैं और देख भी रहे हैं कि गृह मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी किस तरीके से आरोपी के पक्ष में खड़े हो रहे हैं, किस तरीके से आरोपी ब्रिजभूषण जिनके ऊपर पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज है, जिनके ऊपर आईपीसी की विभिन्न यौन प्रताड़ना के संबंध की धाराओं के तहत मामला दर्ज है और वो आरोपी आए दिन शिकायतकर्ताओं को धमकाने की बात करते हैं, नार्को टेस्ट करने की बात करते हैं और बात करते हैं कि वो अपने समर्थन में रैलियां करेंगे, मगर हमारी दिल्ली पुलिस कानून के राज की सर्वोच्चता की स्थापना करते हुए उनको गिरफ्तार करने में आज 33 दिन से अधिक का समय हो गया है और दिल्ली पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है, तो देश की महिलाएं देख रही हैं, देश के कानून पसंद लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से कानून का लागू करने की जिम्मेदारियाँ जिन एजेंसीज के ऊपर हैं वो किस तरीके से भेदभावपूर्ण और धीमी गति से काम कर रही है। नहीं, आप जब महिलाओं की बात आ रही है क्योंकि ये भी महिलाएं हैं और राष्ट्रपति मुर्मू जो पूरे भारत की पहली नागरिक मानी जाती है क्योंकि वो राष्ट्रपति पद पे हैं और राष्ट्रपति जो होता है पहला नागरिक होता है, लेकिन आज जो आप देख रहे हैं कि संसद भवन का उद्घाटन है और उनको नहीं बुलाया जा रहा है, एक जो वो महिलाएं जो सबसे मतलब सबसे ऊपर के पोस्ट पे हैं और एक ये महिलाएं हैं, जब दोनों के साथ न्याय नहीं हो रहा है तो क्या कहेंगी इस पे? देखिए बिल्कुल ये बड़ी ये एक बार फिर से साबित हो रहा है हाँ कि ये जो हमारी नेतृत्व करने इस वक्त जो सत्ता में मौजूद बीजेपी पार्टी है उसका जो दर्शन है मनुवाद का दर्शन वो कितना महिला विरोधी है और उसका अमली रूप इस वक्त लगातार सामने आ रहा है। सबसे पहले जनवरी में ये पहलवान धरने पे बैठते हैं, इनको कहा जाता है कि दो कमेटीज़ बनाई जाएंगी और कमेटीज़ की रिपोर्ट सामने नहीं आती है, ये धरने पे बैठते हैं, सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद FIR होती है और ये भारत की आम साधारण मतलब ठीक है भारत की आम साधारण फैक्ट्री मजदूर, खेत मजदूर और तरह तरह के दफ्तरों में काम करने वाली औरतें तो न्याय के लिए लगातार धक्के खाती ही रहती हैं, पर ये तो वो बेटियाँ हैं जिन्होंने देश के लिए, ये वो महिलाएँ हैं जो देश के लिए जिन्होंने देश का गौरव अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर बढ़ाया, उनके साथ न्याय की लड़ाई जब वो लड़ने आई तो उनके साथ तो ये हो गया। और अब हमने देखा कि अब नई संसद जिसका उद्घाटन जो है संवैधानिक रूप से भारत की प्रथम नागरिक जो कि महिला और महिला भी हैं और आदिवासी भी हैं, तो ये इनका चरित्र कितना ये महिला विरोधी है, कितना ये आदिवासी विरोधी है, हमारे मौजूदा राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में है उसका ये चरित्र एक मनुवाद, आपने मनुवाद का नाम लिया, मनुवाद से आप क्या लोगों को संदेश देना चाह रही है? एक मनुस्मृति को तो नहीं आप बोल रही हैं? जाहिर सी बात है मनुस्मृति ही जिसमें कि महिलाएं दोयम दर्जे की होती हैं,
जिसमें दलितों की कोई जगह नहीं होती, आदिवासियों की कोई जगह नहीं होती, यही इनका दर्शन है। और इस दर्शन की जो व्यवहारिकता है ये बार बार उसको लागू कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम तो ये हैं। और इसीलिए जब न्याय के लिए महिलाएं लड़ रही हैं तो आप आरोपी, क्योंकि वो एक बहुत बड़े बाहुबली हैं, बाहुबली हैं, इसलिए आप उनको गिरफ्तार नहीं करेंगे। हमने पहले भी देखा कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का एलिगेशन था भारत के चीफ जस्टिस के ऊपर, आपने उनको राज्यसभा का सदस्य बना दिया। तो ये तो आप अपने चरित्र बार बार साबित कर रहे हैं। और अब आप भारत की नई संसद, संसद जो कि प्रतीक होती है संवैधानिक मूल्यों का निर्वहन होना चाहिए, संविधान के तहत कोई भी देश का ढांचा चलता है और संसद उसका प्रतीक है, और आप जो है उसका उद्घाटन करने के लिए महिला राष्ट्रपति को नहीं बुला रहे हैं। तो ये सब तो आपका ये महिला विरोधी चरित्र है, ये जन विरोधी चरित्र। आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी मनुस्मृति की तरह चल रही है एक तरीके से? नहीं, वो चल नहीं रही, उनका दर्शन है, वो गाइड होते हैं इसी से, और अभी वो उसको साबित कर रहे हैं कि महिलाएं जब कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगी तो उनके साथ जो है हम बजाय महिलाओं के पक्ष में आकर के कानून को महिलाओं के अनुसार काम करने के, शिकायतकर्ताओं के पक्ष में खड़े होकर आरोपी को जेल भेजने के स्थान पर हम जो है आरोपी की रक्षा करें। लेकिन आपने गौरव की बात कही कि ये लोग जो है गौरव बढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भी गौरव बढ़ा रहे हैं देश का, जापान जाके, ऑस्ट्रेलिया जाके, अमेरिका जाके। और एक ही रिपोर्ट में फिर से ये आ गया है कि लोकप्रिय नेता अगर कोई है तो वो मोदी जी। देखिए, ये जिस तरह की भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिस तरह से भी आप बात कर रहे हैं कि गौरव बढ़ रहा है देश का, तो हम तो ये कहना चाह रहे हैं वास्तविक गौरव ये है, ये हमारी महिला खिलाड़ी जिन्होंने देश के लिए मेडल जीते और बड़ी कड़ी मेहनत के बाद। और अगर मोदी जी के जाने से गौरव बढ़ रहा है तो मैं कह देना चाहती हूँ मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं तब, और देश केवल प्रधानमंत्री नहीं है, देश की एक खिलाड़ी है, देश के किसान है, देश के आदिवासी हैं, देश की महिलाएं हैं। और आज देश की महिला खिलाड़ी आपसे न्याय की आस लगा के बैठी हुई है, इसलिए हम आशा करते हैं कि आप 28 तारीख के दिन जिस दिन आप उद्घाटन करेंगे, आप देश की इन बेटियों को ये तोहफा देंगे, आप ब्रजभूषण को गिरफ्तार करवा के, और देश की संसद का राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी से उद्घाटन करवा के, तब हम समझेंगे कि वास्तव में आपको देश की महिलाओं से वास्तव में आपका कोई सरोकार है। हाँ, लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने इनके खिलाफ बहुत कुछ बोला है, जैसे कि कल ही उनका बयान आया था, परसों उन्होंने विनेश फोगाट को मंत्रा कह दिया है, और इसी तरीके से बयान दे रहे हैं एक महिला को जहाँ पे शक्ति देवी माना जाता है और वहीं पे ब्रजभूषण शरण सिंह इनको मंत्रा कहते हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं मेडल क्यों लौटा रही है, पैसे लौटाना चाहिए। तो इस तरीके की बातों पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यही हम कहना चाहते हैं, जिस तरह के अनर्गल बयानबाजी होने दी जा रही है, और वो इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि भारत की जो कानून लागू करने वाली एजेंसी है ना, हमारी दिल्ली पुलिस, एक्चुअली वो क्योंकि काम नहीं कर रही है, वो खुलेआम शिकायतकर्ताओं को धमका रहे हैं, और ये धमकाना जो है बंद किया जाना चाहिए और दिल्ली पुलिस को अरेस्ट करना चाहिए, ये हम कहना चाह रहे हैं। और दिल्ली पुलिस का रवैया कि उनका काम है, वो संवैधानिक दायित्व है, एक पॉक्सो के तहत जब मामला दर्ज है, IPC के तहत मामला दर्ज है, तो उस आरोपी की अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए। और यही हम कहना चाह रहे हैं कि देश के संविधान लागू करने वाली एजेंसियां, क्योंकि वो आरोपी पावरफुल है, इसलिए उसके पक्ष में खड़ी हो रही है, ना कि शिकायतकर्ता के पक्ष। एक और सवाल जैसे कि लोग उठा रहे हैं और लोग बोलते भी हैं, जो लोग मोदी जी को पसंद करते हैं वो लोग कहते हैं कि मोदी जी जब से आए हैं तब से तो डंका बज रहा है विदेशों में हमारा, और मोदी जी जो है महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, डंका तो बज ही रहा है, डंका तो बज रहा है ना, 33 दिनों से महिला पहलवान और तमाम कानून पसंद लोग धरने पे बैठे हुए हैं, दुनिया तो देख रही है कि किस तरीके से कानून के राज की सर्वोच्चता नहीं अपनाई जा रही है, किस तरीके से आरोपी को बचाया जा रहा है, तो बदनामी का डंका तो बज ही रहा है माननीय। लेकिन विदेश में प्रधानमंत्री का दूसरे देश के प्रधानमंत्री पैर छू रहे हैं। देखिए, इन सब बातों से हमें लगता है कि ये सब बातें बहुत कोई
महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि टीवी मीडिया पे लेकिन यही चल रहा है नेशनल मीडिया। देखिए दिक्कत यही है कि जो नेशनल मीडिया की दिक्कत आजकल यही हो गई है कि जो जनता के वास्तविक मुद्दे होते हैं उनको उन्होंने उठाना ना उठाने का फैसला किया हुआ है, क्योंकि उनको जो है वो असल में अपना जो लोकतंत्र को बचाने का चौथे खंभे का महत्वपूर्ण रोल छोड़ करके वो सत्ता पक्ष की भांड और चाटुकारिता का रोल उन्होंने अपना लिया है। आपने बहुत अच्छा कहा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूनम कौशिक जी थी हमारे साथ और इन्होंने महिलाओं को लेके और जो राष्ट्रपति को उद्घाटन में नहीं बुलाया गया है उसको लेके तमाम तरीके की बातें उठाई हैं, सवाल खड़े किए हैं सरकार पे, बहुत तमाम तरीके के सवाल उठाए हैं। आप लोगों को क्या लगता है जो पूनम कौशिक जी ने कहा है उससे आप लोग कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।